जेटसम फ्लोटसम डेरेलिक्ट रेकेज। क्या? ओके वापस बोलता हूं, जेटसम फ्लोटसम डेरेलिक्ट रेकेज। क्या? नहीं समझ में आया? एक्शन करना, एक्शन। जेटसम, एक तो ऐसे ऐसे मत करो बेटा, और वीडियो क्लास में तो बेटा आपको भी एक्शन करना, भले घर पे बैठे तो घर पे भी एक्शन करना है। जेटसम फ्लोटसम, अच्छा ऐसे डूब जाएगा बेटा, ऐसे थोड़ा सा फ्लोट कराओ, फ्लोटसम। डेरेलिक्ट डेरेलिक्ट रेकेज, वे ऐसे ऐसे क्या कर रहा हो? शरारा शरारा। गुड्स विच आर थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन। साहब मान लो कोई वेसल आ रहा है और सर साइक्लोन आ गया, तूफान आ गया, वेसल का वजन कम करना पड़ेगा नहीं तो वेसल डूब जाएगा। तो कुछ गुड्स फेंक दिया आपने, गुड्स थ्रोन इन द सी इन बैड वेदर कंडीशन, इन बैड वेदर कंडीशन हाँ है ना बच्चों? तो ऐसे केस में जो गुड्स आपने फेंक दिए उनको क्या बोलते बेटा? जेटसम। क्लियर सर? फ्लोटसम, गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक। गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक। तूफान वगैरह आया बेटा, उसने लगा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और हो गया, पर उसने ज्यादा ज्यादा सारी गुड्स पे राम 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 नाम लिख दिया बेटा। अरे बस, अरे गुड्स रिमेनिंग अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक। ओके टाइटेनिक बेटा ध्यान है, पहले तो उसमें कोई गुड्स नहीं था बेटा, है ना? और डोंट यूज अदर वर्ड बेटा। सर पॉइंट ये, सर जेटसम क्लियर है आपको, फ्लोटसम डेरेलिक्ट। हेलो सर, ये क्या होगा रे? मान लो दो पर्सन अकेले कोई बोट या स्टीमर लेके समुद्र में गए बेटा, तूफान आया, बिजली कड़की, कोई रोमांटिक सीन नहीं होए सर। तूफान आया, बिजली कड़की, उनको लगा बोट डूब जाएगी, दोनों कूद गए, बोट रह गया सर। दोनों का पता नहीं। अब सर जो अनअटेंडेड बोट है, अनअटेंडेड बोट वेसल या स्टीमर इन द सी इज कॉल्ड डेरेलिक्ट। रेकेज, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप। ब्रोकन, ब्रोकन हार्ट्स नहीं, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप आर कॉल्ड रेकेज। अब सर ये चार गुड्स कौन कौन सी? जेटसम, फ्लोटसम, डेरेलिक्ट, रेकेज। ये चार गुड्स, अब सेक्शन क्या कहता है अब सुनना बेटा, ये चार गुड्स इंडिया में आ गई या कोई पर्सन इंडिया में लेके आया, तो जो पर्सन इनका टाइटल क्लेम कर रहा है, जो पर्सन इनका ओनरशिप क्लेम कर रहा है, वो पर्सन को इन गुड्स पर कस्टम भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? अब किस वैल्यू पे कस्टम पे करेगा बेटा? तो यूजिंग वैल्यूएशन मैकेनिज्म, प्रॉपर ऑफिसर विल डिटरमाइन द वैल्यू, या फिर इनका ऑक्शन करके वैल्यू निकालेंगे बेटा, और उस अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगा उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा जो इसकी ओनरशिप क्लेम करता है उसको बेटा। बोलो यस सर। सेक्शन खत्म होता है।